देखो देखो वो आ गया। छुट्टी तो और मेरे भाइयों क्या हालचाल है यार। तो अगर आपने गेम के अंदर न्यूज वाला सेक्शन देखा होगा तो वहाँ आपको नॉर्मल फ्री फायर दिखेगा। वैसे अभी जो अपना रैम्पेज वाला इवेंट चल रहा है इसके जरिए हमें अनलिमिटेड वाला कस्टम कार्ड मिलने वाला है। पर यार सबसे मेन तो अपना मेल वाला बंडल है ना, ठीक है ना। फिर चलो आपको बता दे तो आखिरकार ये कब मिलेगा। पर हाँ इसी के साथ हमें रिडीम कोड भी तो मिलने वाला है ना। बजाओ ताली। वैसे आपने ये देखा होगा कि अपने गेम के अंदर बैटल इन स्टाइल इवेंट का अनाउंसमेंट हो गया। वैसे यार ये तो अपने गेम का स्लोगन था ना। मतलब यार स्लोगन को इन लोगों ने इवेंट बना दिया। वैसे हाँ तो आखिर ये इवेंट किस टाइप का होने वाला है, इसमें हमें किस टाइप के रिवॉर्ड्स मिलने वाले भी सब कुछ बताऊंगा। रुको जरा। पर हाँ यार उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो ना तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो एंड एक लाइक भी कर देना फटाफट से। सही बात है। तो यार देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार भैया ये बैटल इन स्टाइल वाला इवेंट का है, क्योंकि आई नो ये चीज आप डेली सुनते हो। तो क्या ये लोग एक मतलब स्लोगन को ये लोग एक इवेंट में कन्वर्ट कर दिए? तो गाइस देखो ऐसा नहीं है, ये जो इवेंट है ना ये बहुत पहले से आता आ रहा है। हाँ आई नो उतना ज्यादा फेमस इवेंट नहीं है, बट हाँ ये बहुत पहले से आ रहा है। अच्छा। एंड देखो आपका क्वेश्चन तो यही है ना कि इवेंट अच्छा होगा कि नहीं, एक्चुअली में क्या सीन है। तो देखो यार इवेंट देखा जाए तो एक नॉर्मल सा इवेंट है। मतलब जैसे होता है ना कि अपना रैम्पेज का इवेंट हो गया, दिवाली का इवेंट हो गया, एनिवर्सरी का इवेंट हो गया, लाइक ये जो बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं इस टाइप का ये नहीं होने वाला। बट हाँ वो जो होता है ना नॉर्मल सा इवेंट, एक डिसेंट सा इवेंट हम लोग जिसको बोलते थे, हाँ ये वही होने वाला है। बट आई नो भैया इससे हमको क्या, हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी रैम्पेज चल रहा है। तो फिलहाल हम लोग रैम्पेज का रिडीम कोड, रैम्पेज का रिवॉर्ड, रैम्पेज के फ्री में बंडल, फिलहाल अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो अपना जो बैटल इन स्टाइल वाला इवेंट है, ओके ठीक है। तो अपना जो रैम्पेज वाला इवेंट है ना, तो 25 को तो इसका पीक डे होने वाला है। एंड आपको पता है भाई पीक डे मतलब फ्री के रिवॉर्ड्स तो भर भर के है भैया, नो डाउट। सही बात है। पर याद है मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या दिखाया था? मैंने दिखाया था अपना पुराना वाला, अपना प्यारा, अपना जिगर का टुकड़ा। ये ज्यादा हो गया क्या? मतलब खैर छोड़ो, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि अपना जो पुराना वाला फ्री फायर है वो वापस आने वाला है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मैंने ये बात बोला? तो न्यूज वाले सेक्शन पे आपने ये वाला पोस्टर देखा होगा जहाँ पे लिखा हुआ था F July 23 एंड नीचे भाई बड़ी बड़ी अक्षरों में फ्री फायर लिखा हुआ था। ध्यान से सुनो, फ्री फायर लिखा हुआ था, ना कि फ्री फायर मैक्स। अब देखो मुझे पता है कि आप लोग बोलने वाले हो कि यार फ्री फायर लिखा रहे या फ्री फायर मैक्स लिखा रहे, क्या फर्क पड़ता है भाई? तो देखो फर्क पड़ता है, क्योंकि आप देखो जब भी फ्री फायर जो नॉर्मल हम लोग खेलते थे, जब फ्री फायर मैक्स के ये लोग हाइप बना रहे थे, जब बैन हो गया था इंडिया में, याद है? तो ये लोग फ्री फायर मैक्स कर रहे थे गैरीना वाले। तो याद है उस टाइम मतलब कोई भी इवेंट आता था ये लिखते थे ओनली ओपन फॉर फ्री फायर मैक्स, ओनली फॉर फ्री फायर मैक्स, याद है ना? एंड वो लोग मतलब फ्री फायर का समझ के चलो तो जिकर ही हटा देते, फ्री फायर मैक्स ही लिखते थे हर जगह। तो इस बार क्या हुआ ये वाले इवेंट में ये लोग, भाई इतना बड़ा गलती मजाक थोड़ी है। आई नो गैरीना बहुत गलती कर चुका है, बट यार ये इवेंट का पोस्टर न्यूज वाले सेक्शन पे मजाक नहीं है यार। तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है फ्री फायर। अब देखो या तो 23 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। अब सोचो कि भाई 23 तारीख ठीक है ना, रैम्पेज चल रहा है, बट नहीं, रैम्पेज का भी पीक डे 25 तारीख को, तो इसका मतलब 23 तारीख को कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब या तो अपना पुराना फ्री फायर बैक आएगा या फिर ये लोग आलोक फ्री में बांट दे, कुछ तो होगा 23 तारीख को एंड कुछ बड़ा होगा। अब भाई देखते क्या होता है। वैसे हाँ ये भी तो हो सकता है ना कि उस दिन पूरा का पूरा सर्वर ही बंद हो जाए। ओके ठीक है, चलो फनी नहीं था। गाइस फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यार अपना जो रिडीम कोड मिलने वाला है अपना इसी प्यारे रैम्पेज इवेंट के अंदर, तो आखिरकार वो कब मिलेगा? क्योंकि देखो आज 19 तारीख तो आज 19 तारीख है ना ब्रो, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता। ओके ठीक है चलो 20 तारीख है, सॉरी वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है यार, अब छुट्टी है तो आदमी कहाँ से डेट याद रखेगा। तो फिलहाल देखो अभी 20 तारीख तो हो गया एंड रिडीम कोड हमें एक हफ्ते पहले से मिलता है। एंड 25 तारीख से अगर मतलब 25 तारीख को पीक डे है एंड उसके 7 दिन पहले से रिडीम कोड मिलना स्टार्ट होता है, तो आज से हमें रिडीम कोड मिलना चाहिए था। बट यार रिडीम कोड का तो नामो निशान नहीं है, तो क्या इसका मतलब हमारे साथ अन्याय हुआ है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ ब्रो। एक्चुअली में सीन क्या है ना कि गैरीना ने अभी तक अनाउंस ही नहीं किया, मतलब लाइक पिछली बार तो मिला था तो हम लोग जस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे ना कि हमें इस बार भी मिलेगा। बट देखो मैं ये नहीं बोल रहा इस बार नहीं मिला, क्योंकि स्टार्टिंग मिला था याद है ना। सो हाँ ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं मिलेगा, बट अभी तक कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ ऑफिशियल की तरफ से। तो हाँ जैसे ही ऑफिशियल की तरफ से अनाउंसमेंट मिलता है रिडीम कोड का, मैं फटाफट से बता दूंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, बिकॉज़ अभी
अभी तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ स्टार्टिंग कब किया था। स्टार्टिंग क्या चलता अपना स्टार वॉर नहीं क्या था यार वो मेरे को याद हाँ प्रो लीग का रिडीम कोड से जो अभी तक रिडीम कोड मिलता है आज तक भाई एक भी रिडीम कोड मैंने मिस नहीं किया। रिडीम कोड मिलते के जस्ट एक से दो सेकंड बाद तो मेरा वीडियो आ जाता है तो सब्सक्राइब याद से कर लेना, एक भी रिडीम कोड मिस नहीं होने दूंगा ठीक है। वेबसाइट क्रैश होने से पहले रिडीम करवा दूंगा तो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है। एंड बेल आइकन को तो याद से ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। वैसे हाँ अपने इसी रैम्पेज इवेंट से रिलेटेड एक बहुत ही मस्त चीज दिखाऊं, मतलब ये कोई रिवॉर्ड या फिर कोई इवेंट या फिर कुछ नहीं है, ये जस्ट ऐसे एक नॉर्मल सा मस्त मेरे को मस्त लगा तो इसलिए बता रहा हूँ कि जो रैम्पेज के अंदर पांच बंडल आने वाले तो ये पांचों का पांचों बंडल किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। लाइक अपना ये जो फीमेल का बंडल है वो पानी को रिप्रेजेंट करता है, ये बवंडर को रिप्रेजेंट करता है, बवंडर मतलब वही साइक्लोन या फिर वो जो आता है ना बवंडर टाइप समझ जाओ यार। देन अपना ये वाला जो बीच वाला बंडल ये अपना बिजली को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट क्या होता है। एंड फिर यही सेम जो लेजेंडरी बंडल है ना यही फायर को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड जो अपना लास्ट वाला बंडल ये क्लाउड को यानी कि जो अपना बादल है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक सेकंड मुझे लगा था पांच बंडल है तो चार ही बंडल है यार, मतलब जो लेजेंडरी वाला बंडल है ना उसके अंदर दो दो स्पेशलिस्ट है, मतलब दो दो चीज का स्पेशलिस्ट है वो दो दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। बट हाँ ये मेरे को बस इंटरेस्टिंग लगा तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं, मतलब मस्त लग रहा है ना सब कोई ना कोई एक चीज को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है तो मस्त लगता है ये। एंड जहां तक बात है देखिए अनलिमिटेड कस्टम कार्ड की, अनलिमिटेड मतलब समझो आप लोग वो जो अनलिमिटेड इन्फिनिटी वाला साइन रहता है वो वाला कस्टम कार्ड, मुझे पता नहीं यार ये लोग इन्फिनिटी वाला साइन तो दे देते बट उसमें टाइम दे देते बस एक घंटा दो घंटा। अबे यार जब इन्फिनिटी दे रहे हो तो इन्फिनिटी दे दो यार, मौज लेते रहेंगे जब तक फ्री फायर खेलेंगे। बट हाँ वो जो इन्फिनिटी वाला कस्टम कार्ड है ना जिसको आप लोग कितना भी खेलो बट हाँ शर्त ये रहती है कि बस वो एक या फिर दो घंटा के लिए लिमिटेड रहता है। तो आखिरकार ये कस्टम कार्ड हमें कब मिलेगा वो बता देता हूँ। तो गाइस देखो ये वाला जो अपना कस्टम कार्ड है ना ये आपको मिलने वाला है पीक डे के अंदर, जाहिर सी बात है यार पीक डे के अंदर ये लोग इतना ओपी चीज देंगे ना। सो हाँ ये हमें पीक डे के अंदर मिलने वाला है अपना अनलिमिटेड वाला कस्टम कार्ड। एंड हाँ वैसे जहां तक बात है कि भाई रेड कलर का जो फ्री में बंडल मिल रहा है उसका क्या सीन है यार, सच में फ्री मिलेगा कि नहीं एंड मिलेगा भाई तो कब मिलेगा। तो यार देखो सही बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता क्योंकि यार देखो जहां से लीक्स एंड अपडेट्स आती है ना वहां पे भी कोई खबर नहीं है, गैरिना के ऑफिशियल में भी कोई खबर नहीं है, मतलब भाई खा जाओगे क्या उसको गैरिना दे दो यार। बट हाँ दिक्कत तो ये है ना कि अभी तक कोई भी मतलब कोई भी बंडल अभी तक गेम के अंदर आया ही नहीं है अपना, एक फीमेल का है जो कि वो इंटरफेस के अंदर था ना उसके अलावा अभी तक कोई भी मेल या फिर कोई भी बंडल हमें देखने को मिला ही नहीं है। हाँ रैम्पेज का मतलब रैम्पेज इवेंट के थीम पे ये जो चारों बंडल है ना इसमें से फीमेल बंडल का छोड़ के अभी तक एक भी बंडल नहीं आया। तो हाँ अभी कुछ टाइम तो बचा हुआ है हमारे पास तो शायद से उसके अंदर हमें मेल वाला बंडल फ्री में देखने को मिल जाए। बाकी यार बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही नहीं रुको आज इस वीडियो में इतना ही नहीं है गाइस। अगर आपने अभी तक ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से जाओ एंड सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी वहां पे और भी बहुत मस्त वीडियोस आने वाले हैं। एंड हाँ अभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड इंस्टाग्राम यूज करते हो जो कि मुझे पता आप ऐसे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते ही हो तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लेना ठीक है, वो भाई सजाने के लिए थोड़ी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है तो हाँ वहां भी जाके फॉलो कर लेना अगर यूज करते हो तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं ठीक है। बाकी बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, होप आपको मजा आएगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल यार, टाटा।